एक फादर को मैं अपने ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। मैं उनके बारे में कभी बात नहीं करता, ना उनसे इतना कॉन्टैक्ट है मेरा, ना उनसे इतना अटैच हूँ। बट व्हेन आई यूज्ड टू राइट पोएम्स अबाउट हिम, आई मतलब 5 से 6 से 7 से 8 पेज भर दिए, फिर भी आई वॉज लाइक नहीं यार और लिखना है। बट एंड में एक पोएम मैंने लिखी है, अगर आपको पसंद आए तो। सो पापा, बात तब की है जब मैं छोटा था, दुनिया से अनजान खुद में मग्न था। बात तब की है जब मैं छोटा था, दुनिया से अनजान खुद में मग्न था। और बच्चों की तरह नहीं था, थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा शैतान, थोड़ा नादान था। हाँ, और बच्चों की तरह नहीं था, थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा नादान, थोड़ा शैतान था। सपने थे ना मुझे लेकर कुछ तेरे, उन्हें पूरा ना कर सका, शायद इतना मैं बेईमान था। हर वक्त तुझे खुश करने को, तेरी शाबाशी लेने को, तुझे शाबाशी लेने में ही तो मेरा संसार था। पढ़ाई में नहीं चलता है दिमाग मेरा, पढ़ाई में नहीं चलता है दिमाग मेरा, और थोड़ा मैं लाचार था। दिमाग में एक ही जुनून, एक ही भंडार था, हर तरफ तेरा नाम हो ये करने में भी मैं लाचार था। हाँ याद है मुझे वो दिन, हाँ याद है वो मुझे दिन, जब खाने को पैसे ना थे, ना मेरी जिद के लिए तू तैयार था। जब खाने को पैसे ना थे, ना मेरी जिद के लिए तू तैयार था, फिर भी मेरी हर जिद पूरी की, क्या इसका भी मैं हकदार था। याद है मुझे वो दिन जब मरने को मैं चला था, शायद मैं भी लाचार था, शायद मैं भी लाचार था, मन में तेरी इज्जत का खुमार था। शायद तेरी नवाजिश ही थी उस दिन, नवाजिश मीन्स ब्लेसिंग, शायद तेरी नवाजिश ही थी उस दिन, कि उस दिन कुछ कर ना पाया, ऐसा क्या तेरा प्यार था। हाँ डांटा नहीं मुने, हाँ डांटा नहीं तूने मुझे उस दिन, हाँ डांटा नहीं तूने मुझे उस दिन, ना बात करता है अब, ऐसा क्या दुश्वार था। शायद तेरी कुर्बानियों को फर्ज समझ बैठा हूँ, शायद तेरी कुर्बानियों को फर्ज समझ बैठा हूँ, क्या इतना मैं लाचार था। पर जब तूने मुझे गले लगाया था, थोड़ा रो कर कुछ ऐसे समझाया था, पर जब तूने मुझे गले लगाया था, कुछ रो कर ऐसे समझाया था, शायद कभी बोल ना पाऊंगा तुझसे ये, कभी बोल ना पाऊंगा तुझसे ये, कभी चुका ना पाऊं ऐसा, कभी चुका ना पाऊं मैं ऐसा कर्ज तेरा, ऐसा ये उधार था। कभी चुका ना पाऊं मैं कर्ज तेरा, ऐसा ये उधार था। हाँ अब पता लग गया है, तू ही मेरा ईष्ट, मेरा भगवान था। Woo!